वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, आपसे कुछ वक्त पहले जब ऐलान हुआ था, आपसे चर्चा हो रही थी कि कितना बड़ा ये ऐलान है, और आपने एक बात का जिक्र किया था। आमतौर पर इस तरह का ऐलान जब होता है तो गणतंत्र दिवस के मौके पर होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस बीत गया है, उसके ठीक बाद हुआ है, कि इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बड़ी बात तो यही है कि जो बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, उसका सम्मान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय राजनीति में और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में जो योगदान रहा है, उसको स्वीकृति दी गई है। और साथ ही उस तरह से आभार भी प्रकट किया गया है कि आज बीजेपी जहां पर भी है कि अपने दम पर उसकी सरकार केंद्र में एक बार नहीं बल्कि दो बार बनी है और तीसरी बार फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि वो बना सकती है। तो ये सारा जो समर्पण उनका रहा, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है, उसका योगदान को मानने का एक तरीका भी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से माना जाए। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो साफ सी बात है कि जनता को ये नहीं भूलने देना है लोकसभा के चुनाव तक, जब तक कि वोट न डल जाए आखिरी चरण के आखिरी वक्त तक, कि राम मंदिर जो है अयोध्या में बन चुका है और राम मंदिर की याद हमेशा दिलाते रहना है। ये भी आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे एक सोच हो सकती है, क्योंकि अगले 2 महीने तक बीजेपी लगातार राम मंदिर देश देश के को देश के कोने से लोगों को लेकर जा रही है। हर रोज 50,000 लोगों को वहां पहुंचाने का लक्ष्य, राष्ट्रपति का भाषण में राम मंदिर का जिक्र, संसद भवन की सीढ़ियों से प्रधानमंत्री का राम मंदिर का जिक्र, और अब आप राम मंदिर के जो क्रोधा रहे हैं, नायक रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें भारत रत्न देना। और एक तरह से ये मंडल और कमंडल दोनों की जो राजनीति है, बीजेपी ने एक तरह से उसको साध लिया है लोकसभा की बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर उनके साथ आ गए और उसको भी उन्हें भी साथ आने में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना ये एक बड़ा फैसला था, और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना। तो एक तरह से मंडल और कमंडल दोनों के जो सिंबल माने जाते हैं भारतीय राजनीति में, उन दोनों को 10 दिन के अंतराल में सम्मानित करना, ये मोदी सरकार की जो दूरगामी रणनीति है, दूरदर्शिता है, उसको दिखा। जी, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ है। हर्षवर्धन जी, आडवाणी जी एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे वक्त में जब हम ये जानते हैं कि राम मंदिर का काम अभी जो हुआ, पूरा समारोह जो रहा, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और राम मंदिर आंदोलन से को लेकर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आडवाणी जी की, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो अखिलेश जी ने कहा कि लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी हुई, उसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ता हूँ। अभी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से तो जो घनघोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, संघ के आलोचक थे, वो भी कह रहे थे कि आडवाणी जी का हालचाल नहीं पूछ रहे, आडवाणी जी को सम्मान नहीं दे रहे। अभी आपको ध्यान में होगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जी को निमंत्रण मिला नहीं मिला, कब जाएंगे कैसे जाएंगे, ये सब पूछ रहे थे। तो आज उनकी भी इच्छा नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी, और मेरा ही मानना है कि नरेंद्र मोदी की ये जो राजनीतिक शैली है, यानी जिस बात को लेकर विरोधी उनके ऊपर हमलावर होते हैं उसको हथियार के तौर पर उपयोग करना, ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये कि बरसों से जिस बात को लेकर देश की जनता, जनता का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये अब तक ये सरकार क्यों नहीं कर रही, उसको समय समय पर करते रहना। मेरा ये मानना है कि जिस राजनीति में राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक होना था, जिस राजनीति में आडवाणी जी को कहा जाता था कि वो तो कम्युनल हो गए और लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा हो गए, उस राजनीति को यहां तक पहुंचाने का दुस्साहस लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, अटल आडवाणी की उस जोड़ी के काम को, जिस पर आज नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जिसने इस देश का मानस बदल दिया, वो जो मानस पुरुष है लाल कृष्ण आडवाणी, उसको सम्मानित करके भारत सरकार ने अपना और भारत के करोड़ों लोगों की जन भावना का सम्मान किया है, मैं इसको इसी तरह से देखता हूं। जी हर्षवर्धन जी, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वरिष्ठ नेता और देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और यहां हम देख रहे हैं तस्वीरों में लाल कृष्ण आडवाणी को, 96 साल उनकी उम्र है, साथ में उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी नजर आ रही है। अखिलेश जी, आप तो बहुत लंबे वक्त से बीजेपी को भी कवर करते रहे हैं, संसद पार्लियामेंट को भी आपने कवर किया है, वो बातें बताएं जो एक आम जनता, जो दर्शक है, जो नहीं जानता है, राजनीतिक सफर के बारे में भी बताएं लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हमने देखा उन्होंने किस तरह अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद वो फिर राजनीति में आए।
लालकृष्ण आडवाणी की जो भूमिका रही है भारतीय जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में, वो प्रमुखता विचारक की रही, यानी संगठन को गढ़ने का काम लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया था, यह आरएसएस की ओर से उनको जिम्मेदारी दी गई थी। भैरव सिंह शेखावत, लालकृष्ण आडवाणी दोनों ने राजस्थान में संघ के प्रचारक के तौर पर अपना काम शुरू किया था और धीरे धीरे करके जनसंघ में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका का विस्तार होता गया। जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, जब जनसंघ का विलय हुआ था जनता पार्टी में, तब लालकृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को तब विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। बाद में दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया। लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पार्टी की कमान संभाली और सबसे ज्यादा बार पार्टी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है पार्टी का चेहरा दूर से बने रहे, वो चाहे संसद हो या फिर संगठन की बात हो, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी वो थे जो पर्दे के पीछे से रहकर काम करते रहे। वही है लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने एक के बाद एक, जिसकी बीजेपी की दूसरी पीढ़ी कहा जाता था, जिसमें नरेंद्र मोदी, प्रबोध महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये तमाम चेहरे थे। इन सबको लालकृष्ण आडवाणी ने ही संगठन में जगह दी, उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी दी, जब सरकार बनी तो उन्हें मंत्री पद दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी छाया में ये सारे जो है फूले फले हैं। वैसे वट वृक्ष वो होता है जिसकी छाया में कोई भी पौधा तक नहीं पनप पाता, लेकिन आडवाणी इसके विपरीत जाकर सबको उन्होंने खाद पानी देकर के आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ा नाम इसमें नरेंद्र मोदी है जो आज देश के प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह कि पार्टी के विचारक के तौर पर उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी को शार्पन करने का काम किया। दीनदयाल उपाध्याय के बाद बीजेपी की जो विचारधारा उसको ज्यादा सरल ढंग से, सहज ढंग से जनता के बीच में रखने का काम भी लालकृष्ण आडवाणी ने किया। उन्होंने ही देश में सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन के दौरान सुडो सेक्युलरिज्म की बहस चलाई और जो नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता थी उसका जवाब दिया गया कि किस तरह से सुडो सेक्युलरिज्म है और तुष्टिकरण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपना मुस्लिम वोट बैंक बना रही है। तो ये बहस चलाई, इसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिला। इसके साथ साथ राजनीतिक शुचिता उसका भी एक उदाहरण माने जाते हैं। जब जैन हवाला कांड में लालकृष्ण आडवाणी, मदनलाल खुरा तमाम नेताओं का नाम आया तो आडवाणी ने इस्तीफा दिया और ये कसम खाई कि जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होगा तब तक वो संसद भवन में परिसर में पैर भी नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि मदनलाल खुराना जो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनसे भी इस्तीफा दिलवाया गया और बाद में काफी समय तक मदनलाल खुराना इस बात को कहते भी रहे कि उन्होंने आडवाणी के कहने पर इस्तीफा दिया। तो राजनीतिक शुचिता का भी एक जो उदाहरण है वो लालकृष्ण आडवाणी ने पेश किया, लेकिन बाद में उन्हें यह लगा कि शायद जो उनकी कट्टरपंथी छवि मीडिया में बन गई है ये उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में आड़े आ सकती है और इसलिए बाद में उनकी एक बहुत ही विवादास्पद पाकिस्तान की यात्रा हुई थी, क्योंकि वो कराची में पैदा हुए थे अविभाजित भारत में और कराची जाने की उनकी इच्छा थी। तो जब वो गए वहां पर और जब वो जिन्ना की मजार पर गए और जब वहां जाकर के उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बताया तो उसके बाद यहाँ पर काफी तीखी प्रतिक्रिया खासतौर से आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई थी, यहाँ तक कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन बाद में एक मौका और उनको मिले ये सोच करके 2009 में सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। उस वक्त जो उनकी एक पुस्तक थी वो भी आई थी माय कंट्री माय लाइफ, उसमें अपने राजनीतिक जीवन का विस्तार से उल्लेख भी किया है, बताया कि किस तरह से कई मौके, एक ऐसी कई घटनाएं जिनका हमें पता नहीं होता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो लेखक हैं सुधींद्र कुलकर्णी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुधींद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस ऐलान को, क्योंकि ये माना जा रहा है मोदी सरकार का जब पहला कार्यकाल था उसमें अटल जी के लिए घोषणा हुई थी और अब दूसरे कार्यकाल के अंत होते होते घोषणा हुई है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे आपने कहा कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें भारत रत्न मिला, अब देर से ही सही आडवाणी जी को भी भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। यह अत्यंत सुयोग्य निर्णय है भारत सरकार का और एक ऐसे नेता को पूरी जिंदगी जिन्होंने भारत मां की सेवा के लिए लगाई, अब उनकी आयु 96 हो गई है, अब वो सक्रिय नहीं है, लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद इतना लंबा प्रवास
शायद किसी का नहीं होगा जितना अडवाणी जी का रहा। भारत की लोकतंत्र के बचाव के लिए, इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे लाने में और भारत की राजनीति वो साफ सुथरा हो, स्वराज की ओर, गुड गवर्नेंस की ओर देश चले, इन सभी आदर्शों के लिए अडवाणी जी ने जीवन पर्यंत सेवा की है और इसलिए भारत रत्न उनके लिए अत्यंत सुयोग्य पुरस्कार है। और मैं खुश हूं क्योंकि उनके साथ बहुत नजदीकी से सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और अडवाणी जी के साथ, दोनों के साथ। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। जी, आपने अटल जी का भी जिक्र किया। यहाँ पर एक वक्त हुआ करता था जब संसद में अटल जी हो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, जब अपना भाषण देते थे तो उनको सब सुनते ही रह जाते थे। आज कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी लग रही है आपको, संसद के जो माहौल है? जरूर उस चीज की कमी लग रही है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। मैंने अडवाणी जी का जिक्र डेमोक्रेसी के डिफेंस के संदर्भ में किया, लोकतंत्र के बचाव के संदर्भ में किया, क्योंकि आज के बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि 1975 से 77 तक 19 महीने अडवाणी जी जेल में थे।